अफसोस की बात ये है कि लाहौर समिट के बाद जो शांति की संभावना थी My God. वो अब नामुमकिन बन गई। एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाय मॉम। करण। अरे आदि कहाँ गायब हो गए थे तुम? आओ करण। ये क्या न्यूज़ है कारगिल में? तुम तो वहीं हो आजकल। क्या न्यूज़ है? कल तो वहाँ कोई बात नहीं थी। अच्छा? टी पे आया था कुछ? हेलो। जस्ट अ मोमेंट। तुम्हारा फोन। हेलो सर, लेफ्टिनेंट शेरगिल है सर। यस सर। सर राइट सर, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। लेकिन बात क्या है, अभी तो आया है तू। ये इस न्यूज की वजह से। क्या कहा उन्होंने? बस ये कि मुझे फौरन वापस जाना होगा। कुछ तो और कहा होगा, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? कुछ बताने को है नहीं डैड, मैं क्या बताऊं? I have to go. लेफ्टिनेंट करण शेरगिल, फील्ड एरिया में होने की वजह से और ऑपरेशन विजय में होने के कारण तुम्हें एक्टिंग कैप्टन बनाया जाता है। आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे इलाके में पटालिक से द्रास तक पहाड़ियों पर अपने इंट्रूडर्स घुसपैठिए फैला दिए। पीक 5179 की जिम्मेदारी हमारी यूनिट की है। ठीक 15 मिनट बाद मैंने सारे ऑफिसर्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया। जैसे भी हो, हमें पीक 5179 पे तिरंगा वापस लगाना है, किसी भी कीमत पर।